बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बच्चों अपना चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में और फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और वजह क्या है कि हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हम हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी जो है वो इजी हो जाए। अब हमें पता है कि हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब अगर एक एक को पढ़ने बैठेंगे तो ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर कंपाउंड को इंडिविजुअली स्टडी कर सकें। तो उनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने सेम प्रॉपर्टीज वाले या कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टीज वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक ग्रुप के अंदर जो है वो रख दिया है। हमारे पास सबसे पहले अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन देखें तो दो ब्रॉड क्लासेस हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन या फिर साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। नाम से हमें पता चल रहा है कि ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर जो कार्बन चेन है वो कार्बन के जो एटम्स हैं वो चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ आगे पीछे अरेंज हुए भी हैं। वो ब्रांच भी हो सकते हैं, नॉन ब्रांच भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो साइकल्स या रिंग्स नहीं होंगे। जबकि जो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके हमें नेम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा कि जो कार्बन हैं वो साइकिल फॉर्म में अरेंज हैं। हम यूं कह सकते हैं कि जो ओपन चेन वाले कंपाउंड्स हैं उनमें जो एंड के दो कार्बन एटम्स हैं वो हमारे पास क्या है, वो एक दूसरे से अटैच नहीं है। जबकि जो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो लास्ट टू कार्बन हैं वो भी एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो हम इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी क्लास है, ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड। आप लोगों को ये बात पता होगी कि अगर किसी भी वर्ड के साथ हम ए लगा दें तो ए का मतलब, तो उसका मतलब हो जाता है नो, यानी कि ए साइक्लिक का मतलब है कि नो साइक्लिक, जिसमें ऐसे कंपाउंड जिनमें साइकिल ना हो। दिस टाइप ऑफ, ये वो कंपाउंड हैं जिनके अंदर क्या है, हमारे पास ओपन चेन है कार्बन एटम्स की। अब ये जो चेन है ये ब्रांच भी हो सकती है और नॉन ब्रांच भी हो सकती है, लेकिन होगी ये स्ट्रेट चेन। अब जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अभी आप लोगों ने याद रखना है कि हम ओपन चेन भी कह सकते हैं, हम एसाइक्लिक भी कह सकते हैं, और हम इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये जो ओपन चेन ए साइक्लिक के एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं इनको फर्दर सब डिवाइड किया हमने स्ट्रेट चेन और नॉन ब्रांच कंपाउंड्स में और फिर ब्रांच चेन कंपाउंड्स में। नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स वो होंगे जिसके अंदर कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के बाद सीरीज में अटैच हुए हुए हैं और इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होंगी। जैसे ही आपको नजर आ रही है एग्जाम्पल के, इसमें CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। जबकि जो ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कौन से होंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या है कि एटम्स जो हैं वो साइड्स पे, चेन की साइड्स पे भी अरेंज होगी, यानी कि उसमें क्या होगा कि वो स्ट्रेट चेन नहीं होगा बल्कि इसमें कोई ना कोई ब्रांच जो है वो प्रेजेंट है। सही, इसको हम दोबारा देख लें, हमारे पास क्या है, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। इन ओपन चेन एसाइक्लिक कंपाउंड्स को फिर हम सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड कर रहे हैं ओपन चेन, एसाइक्लिक और क्लोज चेन या फिर साइक्लिक में। जो ओपन चेन साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर फिर हमने डिवाइड किया है स्ट्रेट चेन में और ब्रांच में। स्ट्रेट चेन वाले कौन से हैं जिनके अंदर कोई ब्रांच नहीं होगी, और ब्रांच चेन वाले कौन से हैं जिनमें ब्रांचेज होंगी। जैसे आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 2-methylpropane या फिर आइसोब्यूटेन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास कौन सी है, क्लोज चेन कंपाउंड्स या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। अब वो कंपाउंड जिनमें क्लोज चेन या रिंग होगी एटम्स की उसको हम कहेंगे साइक्लिक या फिर रिंग कंपाउंड्स। ये भी फर्दर दो तरह के साइकल्स हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। नाम से पता चल रहा है होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स हैं जिनमें सारे के सारे एटम्स जो हैं वो कार्बन होंगे, और हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर कार्बन के अलावा भी कोई और एटम मौजूद होगा।
सही, तो हम फर्दर डिटेल से देखते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें जो रिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बना हुआ होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो हैं जिसमें रिंग मौजूद है एटम्स का, तीन या तीन से ज्यादा कार्बन एटम्स का, और ये सारे के सारे रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स को, इस वजह से इनको हम कह रहे हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसकी एग्जाम्पल जो हमने नीचे दी कि अगर थ्री मेंबर ड्रिंक है तो साइक्लोप्रोपेन, फोर मेंबर्ड है तो साइक्लोब्यूटेन, फाइव मेंबर्ड है तो साइक्लोपेंटेन वगैरह वगैरह। अब इसमें क्या है कि इस एक या एक ज्यादा हाइड्रोजन की जगह पर कोई दूसरा ग्रुप भी आ सकता है। जो रिंग है वो कार्बन से ही बना हुआ होगा, लेकिन ये है कि हाइड्रोजन की जगह पर कोई और एटम आ सकता है, तो वो भी एलिसाइक्लिक में ही आएगा। दूसरा हमारे पास जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सब ग्रुप है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें कम से कम वन बेंजीन रिंग हो, उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। और बेंजीन रिंग क्या है? बेंजीन रिंग है सिक्स कार्बन की रिंग जिसके अंदर हमारे पास थ्री ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, और आमतौर पर हम इन ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो आपको इधर बॉक्स में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अभी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी साइड चेन भी हो सकती है और इनके ऊपर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है तो ये टॉलिन हो गया, अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो फिनोल, अगर CHO ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप है तो ये बेंजाल्डिहाइड, और अगर NO2 नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रोबेंजीन। और इसके अलावा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स जो हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज फॉर्म में भी हो सकती हैं, जैसे कि ये नेफ्थलीन और ये फिनेंथ्रीन। आप लोगों ने जब ये डेफिनेशन याद करनी है तो उनके साथ साथ इनकी एग्जाम्पल्स जो है वो भी लाजमी याद करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें जो रिंग है उसमें एक से ज्यादा एटम्स होंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या फिर हेट्रोसाइकल्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जो है जनरली एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद होंगे, अब यानी कि कार्बन भी प्रेजेंट है लेकिन कार्बन के साथ अलावा ग्रुप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या कोई और जो है एटम वो भी मौजूद हो सकता है। जो अदर एटम, जो कार्बन के अलावा जो दूसरा एटम मौजूद है उसको हम कहेंगे हेट्रो एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर सिक्स मेंबर रिंग है और सिक्स मेंबर रिंग में एक कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन आ गया तो अब उस रिंग का नाम हमने क्या कर दिया है? पिरिडीन। फाइव मेंबर रिंग है, एक कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन आ गया है तो वो क्या है? फ्यूरेन। और अगर फाइव मेंबर रिंग में कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन आ गया तो पायरोल, और फाइव मेंबर रिंग में कार्बन की जगह पे सल्फर आ गया तो थायोफीन। तो ये होपफुली आप लोगों को समझ आए होंगे। हम इसको एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो ब्रॉड क्लासेस में क्लासिफाई कर रहे हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स, और क्लोज चेन कंपाउंड्स या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से हैं? जिनमें कार्बन एटम जो है एक दूसरे के साथ एक सीरीज के अंदर अरेंज होगा, और ब्रांच चेन में क्या है कि उसी कार्बन की कोई ना कोई ब्रांच जो है उसी स्ट्रेट चेन के अंदर कोई एक्स्ट्रा ब्रांच भी प्रेजेंट होगी। अगर वही कार्बन एटम जो है वो रिंग की फॉर्म में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाए तो हम उन कंपाउंड्स को कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। इन साइक्लिक कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। अगर जो रिंग है उसके सारे एटम्स जो हैं वो कार्बन एटम्स होंगे तो हम उस रिंग को कहेंगे कि ये होमोसाइक्लिक है या फिर कार्बोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक को फिर हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड में। एलिसाइक्लिक के जो हैं वो रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स को, इस वजह से हम इनको कहते हैं एलिसाइक्लिक। और इसमें क्या होगा कि इसमें थ्री या थ्री से ज्यादा कार्बन एटम्स जो है वो रिंग बनाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो भी होगी तो उसमें भी रिंग होंगे सारे के सारे कार्बन, लेकिन शर्त ये है कि इसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा
यानी कि छह कार्बन का रिंग, और उन छह कार्बन में तीन डबल बॉन्ड्स यानी कि डबल सिंगल और डबल सिंगल बॉन्ड होना लाजमी है। एरोमेटिक कंपाउंड्स को फिर हम फर्दर जो है हम देखते हैं कि उसके अंदर अगर उसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो भी एरोमेटिक कंपाउंड भी होगा, या फिर वो जो एरोमेटिक कंपाउंड रिंग्स हैं बेंजीन रिंग्स वो आपस में फ्यूज फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच हो सकती हैं। अगर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को देखें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा जो है एटम मौजूद होगा। ये भी दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि उनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई डबल बॉन्ड होगा। अब अगर अनसैचुरेटेड है तो वो फर्दर एरोमेटिक हो सकता है और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो है एरोमेटिक करेक्टर होगा, और नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या है कि उसमें कोई जो है ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स नहीं होंगे। होपफुली बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।